मुझे लगता है कि उस बयान को पूरे देश को सुनना चाहिए। वो बयान थोड़ा सा पुराना है, प्लीज प्ले करिए। महंगाई कम रहेंगे, कहा था ना डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। रुपया 80 पर, गैस 1000 पर, अनाज पर, जीएसटी पहली बार, आम आदमी पर महंगाई की मार, चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये प्रोपोगेंडा क्यों है, क्यों जनता ये जनता को ये बरगलाया जा रहा है कि जीएसटी लग गया है आटे दाल पे और चावल पे और अब ये महंगा हो जाएगा। तो आटे पर जीएसटी नहीं लगा? बिकॉज जो जीएसटी लगा है वो तो होलसेल प्राइस पे लगा, खुदरा भाव पे लगा है, जो कि पहले भी वैट लग रहा था, अब वो जीएसटी के अंडर आ गया। आप तो फिर देश के प्रधानमंत्री पहले कह रहे थे कि हम आटा दाल और इस पर जीएसटी विपक्ष लेता था, हम नहीं लेते थे, याद है आपको? पुराना एक बयान है, मुझे याद नहीं है, मेरी संज्ञान में नहीं। आपको याद नहीं है? प्लीज प्ले करिएगा। तक की पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था, आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स। वैभव जी, सुना आपने? देश के प्रधानमंत्री 18% वैट लगता था, 5% पे ले आए। नहीं, वो कह रहे थे, नहीं 18% पे लगता था, 5% पे ले आए, मतलब वो कह रहे थे कि पहले जो है वो टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है हम टैक्स नहीं लगाते इस पर। एक बार दोबारा से प्ले करूं? करेक्ट, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज प्ले करिए। गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था, आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री। वो कह रहे हैं ये सब कुछ जो है वो जीएसटी लगने के बाद टैक्स फ्री हो गया। वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी लगने, समझना पड़ेगा, कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। यदि 100 रुपए का खुदरा एक खुदरा दाम है तो जीएसटी कहां और कैसे कैलकुलेट होता है? अच्छा, तो उस वक्त मतलब देश के प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, समझ आएगी कि जीएसटी का गेम कहां है। अच्छा, ये ठीक उसी तरह है जैसे 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ सकते हैं, ये तो जुमले वाली बात हो गई भाई, सबने पकड़ के जुमला बना दिया, इसमें क्या हो गया? नहीं, ये आपने आज मेरे को बोला था जीएसटी, ये तो अमित शाह जी ने कहा था जुमला, आप ही कह रहे हो। ना, ये देश ने नहीं कहा, ये तो देश अमित शाह जी ने कहा था जुमला है, तभी कहा गया जुमला है। आप अमित भाई की रिकॉर्डिंग चला लो, अगर अमित शाह ने कहा होता तो। अच्छा, वो भी तलाश। आप लोग तो अपनी ही कही हुई बात पर भूल जाते हो बड़ी। अच्छा चलिए, कोई नहीं, इस विषय को पूरे देश को समझना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर सरकार को सदन के भीतर और विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, ये बहुत और देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक स्वस्थ चर्चा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बेरोजगारी को लेकर सरकार का जवाब सदन के भीतर आया। सरकार ने यह बताया, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, पूरे देश को इसको ध्यान से सुनना चाहिए। सरकार ने सदन के भीतर बेरोजगारी को लेकर यह बताया कि केंद्र सरकार की नौकरी की बात अगर की जाए, मैं केंद्र सरकार के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं, कुल मिलाकर 40,35,000 नौकरियां हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। कितनी? 40,45,000 नौकरियां हैं, मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूं, अब ये आंकड़ा सामने आया, 40,35,000 पद, और उसमें से भरे गए कितने? 30,55,000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 40,35,000 में से पद भरे गए 30,55,000, यानी कि जो 8,72,000 पद खाली थे उनकी संख्या बढ़कर 9,80,000 हो गई, यानी जो 8,72,000 पद खाली थे उनकी संख्या 9,80,000 हो गई, 1,30,00,000 लोगों की नौकरी चली गई, यह ऑन रिकॉर्ड आंकड़ा है। क्या देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं? वैभव अग्रवाल जी, कितना इंपॉर्टेंट विषय है। चर्चा, मैंने देखा है कि कोरोना का काल जो है
उससे देश आज की तारीख में उभर रहा है और हमने बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सरकार के कंट्रोल में था या कुछ था, पूरा विश्व इससे जूझा है। आज की तारीख में भारत सरकार ने कोरोना काल से जूझने के लिए बाहर लाने के आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो पद 8,72,000 पद खाली थे उनकी संख्या बढ़कर 9,80,000 हो गई। मैं ये बात कह रहा हूं साहब, आप तो 10,00,000 नौकरी देने की बात कर रहे थे, यहां पर तो 9,80,000 पहुंच गया आंकड़ा। मैं ये बात कर रहा हूं, शांत गदाधारी भीम शांत, मेरे को आप बोलने नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं भीम की भूमिका में नहीं हूं, मैं सिर्फ संजय की भूमिका में हूं, जो दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वैभव जी कि सैलरी, सांसदों की सैलरी, इनका घर, इनकी फ्री की बिजली, पानी, हवाई यात्रा, रेल का सफर, स्टाफ की सैलरी कौन देता है? कौन देता है? जनता देती है ना? मैं और आप। बिल्कुल सही कहा आपने, आप और हम देते हैं, जनता देती है। एक मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए है सदन का, यानी एक घंटे में 1.5 करोड़ रुपया, और 7 घंटे सदन चलता है ऑन एवरेज, तो इस हिसाब से 10.5 करोड़ रुपए स्वाहा, 31.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं पिछले 3 दिनों में। करेक्ट, 31.5 करोड़ बर्बाद हुए पिछले 3 दिनों में, तो इसका जिम्मेदार कौन? करेक्ट, पेनल्टी लगनी चाहिए। प्लीज वैभव जी, पेनल्टी लगनी चाहिए तिलक भाई। पेनल्टी किस पे लगनी चाहिए, सरकार पर या विपक्ष पर? जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर रहे, जो जो पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर ले, 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दो सब पर। खैर, जो जो डिसरप्ट कर रहे हैं, जो जो चलने नहीं दे रहे। अच्छा, तो आप सदन में हंगामे पर भी, सदन में हंगामे पर भी आप पेनल्टी लगाएंगे, उस पर भी टैक्स वसूलेंगे? लगाना चाहिए, क्या हो गया? तो जब आपके सांसद जब विपक्ष में होते थे तब आप 15-15 दिन तक उस हिसाब से, तो फिर देख ले, तो फिर करोड़ों रुपया और कलेक्शन हो जाएगा। तो बढ़िया है ना, तो आप और मैं नेता और जर्नलिस्ट होने से पहले अपन देश के नागरिक है ना। नहीं तो मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ साहब, ये जो 31.5 करोड़ रुपया स्वाह हो गया जनता का, आपका और हमारा, तो ये किसकी जवाबदेही जिम्मेदारी? करेक्ट, नहीं मैं क्या डंडे पे लेके बैठा दूं उनको कि भाई बैठो, उनकी उनकी जिम्मेवारी नहीं है? वो इतने बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, आजकल तो दूध पीते बच्चों को भी बताने की जरूरत नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, देश में चर्चा हो रही है, लेकिन देश में चर्चा हो रही है डेवलपमेंट की, और उस डेवलपमेंट के कद के सामने जो बाकी छोटे छोटे मुद्दे हैं वो इतने छोटे रह जाते हैं कि जनता खुद ही बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें नहीं, नहीं, वो छोटे मुद्दे नहीं है, आप उनको बड़ा बनने नहीं दे रहे हो, मुद्दे उनके जीविका के हैं। आप ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे मुद्दे हैं सारे, क्या रुपए का पतला होना, रुपए का गिरना ये छोटा मुद्दा है? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है ये छोटा मुद्दा है? कोई छोटा मुद्दा नहीं है, अंडर कंट्रोल है तिलक भाई, परसों ही तो डिबेट करी अपन ने इस बारे पे। ये छोटा मुद्दा है आपकी नजर में, रुपया गिर रहा है? नहीं, तो मुद्दा तो सरकार ने कंट्रोल कर लिया ना, अगर विपक्ष को लगता है। अच्छा, सरकार ने कंट्रोल कर दिया ना, क्या दिक्कत है? जीरो आर में क्वेश्चन होता है, डॉलर 8 साल में 36% गिर गया, रुपया गिर गया है 8 साल में 26%। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, संसद में चर्चा की आयात महंगा हो गया। देखो, आप शब्दों के खिलवाड़ मत करो, मैं शब्दों की मैनिपुलेशन पे आऊंगा तो फिर आप खेल नहीं पाओगे। नहीं, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ वैभव भाई? मैंने क्या गलत बोला, क्यों गुस्सा हो रहे हो? 8 साल में 26% रुपया गिरा नहीं गिरा, मैं गलत बोल रहा हूँ? आज वाली डिबेट हम जीएसटी और बेरोजगारी बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं आज वाली डिबेट में, तो हम जीएसटी की बात करें ना। अच्छा, तो आयात महंगा हुआ उस पर चर्चा नहीं करूं, निवेश कम हुआ उस पर चर्चा नहीं करूं, विदेशी मुद्रा भंडार घटा उस पर चर्चा नहीं करूं, चर्चा करनी है तो हमारी परसों की चर्चा उठा के देख ले। ओके, रुपया गिरता है लेकिन आपका पार्टी का चंदा बढ़ जाता है। नहीं, पार्टी का चंदा रुपए गिरने से कोई लेना देना है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है सबसे ज्यादा आपके पार्टी, देश का रुपया गिर रहा है, हैं? डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, लेकिन आपका चंदा बढ़ रहा है, आप कह रहे हो उस पर चर्चा की जरूरत।